विजन आईएएस की PT 365 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी में ही आगे चलेंगे और 1.3 में हम लोग देखेंगे मानव मानव क्या है। एक ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोक के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को बता देता हूँ कि ये कहाँ पर होता है। देखिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसके के ऊपर ये हमारे मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उसमें तीन डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो होती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में DBT बोलते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और एक होता है थर्ड डिपार्टमेंट वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको कि DST बोलते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि दिल्ली में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो कि हैदराबाद में है। इसके अलावा और कुछ कुछ हैं, कई सारे इसमें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं जैसे कि बिबकॉल इसके अंदर है जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इसका ऑफिस है। बिबकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन भी DBT के अंदर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो दो तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर PSU हो गए। और फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बताया मैंने, उसका काम है टेक्नोलॉजी प्रमोशन करना, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, ये सब इसके फंक्शन हैं। कुछ इसके भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जैसे कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपको अगर कोई पूछे कि CSIR कहाँ होता है, तो CSIR एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर होता है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है ये कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। इसके अंदर भी कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जैसे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या DST की बात करेंगे जो कि थर्ड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसके अंदर टिफाक होता है। टिफाक का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट टिफाक होता है। विज्ञान प्रसार भी इसी के अंदर आता है। और फिर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मतलब मापदंड का जो इंडिया में किलोग्राम वगैरह क्या होगा वो इसी के अंदर आता है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकटा, ये भी इसके अंदर आता है। और याद रखिएगा कि सर्वे ऑफ इंडिया जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, सर्वे तरह तरह के इंडिया में होते हैं जैसे रजिस्ट्रार जनरल का सेंसस हो गया, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना जिसका ऑफिस देहरादून में जो पूरे इंडिया की मैपिंग करता है कार्टोग्राफी की, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। IISER जो है पुणे का, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब चले आइए मेन टेक्स्ट पे। यहाँ है कि मानव प्रोजेक्ट है क्या। मानव प्रोजेक्ट मतलब एक ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसका एम क्या है? टू क्रिएट एन ओपन एंड इंटरैक्टिव एटलस ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, कंपाइलिंग क्यूरेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग डेटा एट द मॉलिकुलर सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेचर एंड पब्लिक डेटाबेस। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि पूरे हमारे भारत में जितने नागरिक हैं सबका ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ा जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, डेटा क्यूरेट किया जाएगा, सिंथेसाइज किया जाएगा डेटा, किस किस लेवल पे? मॉलिकुलर लेवल से लेके सेलुलर लेवल से लेके टिश्यू लेवल से लेके ऑर्गेनिज्म के पूरे लेवल पे ये डेटा कंपाइल किया जाएगा। और ये जो है डेटा कहाँ से लाया जाएगा? साइंटिफिक लिटरेचर जितना भी आज तक इंडिया में रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया होगा और पब्लिक डेटाबेस में जो भी डेटा होगा वहाँ से मिला के ये मानव प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और इसका जो है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं सिंगल टिशू के लेवल पे मैपिंग करेंगे इंडियन पॉपुलेशन का। सिंगल टिशू को तो बोलो, ये मॉलिकुलर सेल लेवल पे बात हो रही है, तो सिंगल टिशू के लेवल पे अगर काउंट करें तो ये पहली बार हो रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट जो है ऐसी मैपिंग करेंगे ह्यूमन बॉडी की। और इससे क्या होगा? आपके बॉडी के सेल्स की और टिश्यू की जो डिजीजेस से लिंक हैं उनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो आपको उससे पता चलेगा कि आपको रोग होने के कितने चांसेस हैं और आप पे कौन सी दवाई काम करेगी, स्पेसिफिक दवाई की जनरल दवाई। इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो वहीं से DBT के अंदर में जो मैंने आपको बताया था ना वहीं वाले इंस्टीट्यूट हैं। उसमें से एक तो है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज NCCS, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंसेज के अलावा इसमें IISER पुणे भी है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, उसने इसको फंडिंग दी है। और साथ में फंडिंग किसने दी है? DBT ने दी है। और जो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है जो कंपनी है वो इसका प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रही है जहाँ पे ये डेटा रखा जाएगा। तो फंडिंग जो है को फंडेड है उसमें, तो एक तो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा डेटा के लिए वो परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ही डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट कैन बी, इस प्रोजेक्ट में कौन लोग होंगे? जो भी फाइनल ईयर के बच्चे होंगे या स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएशन में, वो इसमें साइन अप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के ऊपर होंगे जैसे PG वगैरह कर रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी इसमें पार्टिसिपेंट होगा उसका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड होना जरूरी है,
लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जिस टाइम पे वो इस प्रोजेक्ट में साइन अप कर रहा है उस टाइम पे वो कोई एक्टिव साइंटिफिक रिसर्च कर ही रहा हो, साइंटिफिक नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो, तो भी चलेगा। इससे होगा क्या कि आपके बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी और मॉलिकुलर मैपिंग की जाएगी, से ड्रग डिस्कवरी में हेल्प मिलेगा कि कौन सी ड्रग आप पे काम करेगी, पर्सनलाइज कस्टमाइज मेडिसिन आपको दिए जाएंगे कि आपको क्या सूट करेगा, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है कॉलेज में फोर्थ ईयर में और उसके ऊपर, उसको स्किल डेवलपमेंट भी मिलेगा, फ्यूचर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। आपके पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को जो समझा जाएगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग जो आएगी वो दो लेवल पर डिवाइड की जाएगी, एक तो नॉर्मल स्टेज में जब आपको कोई बीमारी नहीं हो तो आपकी क्या फिजियोलॉजी है, और एक जो आपकी जब डिजीज हो जाती है आपको तब आपकी क्या फिजियोलॉजी है। तो ये दो लेवल पे जो है डेटा जो है कैप्चर किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, तो इससे कहीं आपको पता चलेगा कि डिजीज़ का जो काज था वो क्या था, ट्रेस किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा कि कौन से पाथवे से डिजीज हुआ था, उसकी साइकिल पता चलेगी, ट्रेस किया जाएगा। ये तो आपने मानव के बारे में पढ़ लिया, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ लीजिए। एक चीज़ लॉन्च हुई है UMMID, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर के लिए कुछ यूनिक मेथड लाए गए हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है UMMID इनिशिएटिव। इसका एम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, किसके बीच में, जो क्लिनिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर को ध्यान से देखो। इंडिया के 70 मिलियन पीपल जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, मैं आपको पिछले पीपीटी इसमें वीडियो में बताया है। तो उसी को अवेयरनेस करने के लिए, डॉक्टर्स को बताने के लिए, क्लिनिशियंस को बताने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर नाम का एक पॉलिसी लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, एक तो क्लिनिशियंस को हम अवेयरनेस देंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, उसके अलावा हम एक मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक का सिस्टम जो है हॉस्पिटल्स में डेवलप करेंगे, ताकि जो आजकल जेनेटिक रिसर्च में जो भी नया नया डेवलपमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा जो है पेशेंट्स को मिले। ये भी जो इनिशिएटिव है वो DBT का है। जो UMMID इनिशिएटिव है उसके तीन कंपोनेंट हैं। पहले तो एक इस्टेब्लिशमेंट करनी है निदान की। निदान केंद्र क्या होते हैं, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र। निदान का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, निदान बना दिया। निदान केंद्र का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा और वो डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, जहाँ पे डायग्नोसिस होगी कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों को पता चलने वाला है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उनको काउंसलिंग देने की जरूरत है कि आपको क्या सही करना रहेगा, कौन सी दवाई सही रहेगी। प्रीनेटल जन्म लेने के पहले टेस्टिंग करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए, मैनेजमेंट करिए डिजीज़ का, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की जाएगी गवर्नमेंट में इस निदान स्कीम के थ्रू, निदान केंद्र के थ्रू। फिर जो है ह्यूमन जेनेटिक्स में स्किल्ड क्लिनिशियंस को लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी ये इनिशिएटिव काम करेगा। कौन सा, UMMID स्किल्ड क्लिनिशियंस बनेंगे। अगर उसको अवेयरनेस दोगे तो ऑब्वियस है कि वो ह्यूमन जेनेटिक्स में स्किल्ड हो जाएंगे। फिर जो एक प्रेग्नेंट वुमन हो जाती है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी कि कहीं उसके बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। जेनेटिक डिसऑर्डर तो इनहेरिटेंस भी होता है कभी कभी, तो वो चेक किया जाएगा कि आपके बच्चों को भी तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और न्यू बॉर्न बेबी को भी स्क्रीन किया जाएगा कि उसमें कोई डिजीज आ तो नहीं गया है। और ये जो फोकस है ये दिया जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग का है, इसका मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वह है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अब चले आइए 1.4 में, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी क्लियरेंस दे दी है कि एक इंडिया में एक एम्बिशियस प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे सारी पॉपुलेशन जो है उसके जीन की मैपिंग की जाएगी, और इसी प्रोजेक्ट को हम लोग जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बोलेंगे, और इसमें खर्च जो आएगा वो आएगा ₹238 करोड़ का। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर और जानना चाहें तो पहले तो ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, DBT का। और ये आया कहाँ से है, बजट स्पीच में ये बोला गया था कि दो प्रोग्राम इनिशिएट किए जाएंगे नेशनल लेवल पे साइंस में, जिससे कि इंडिया की जेनेटिक मैपिंग की जाएगी पूरे लैंडस्केप की, और एक डेटाबेस, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जाएगा। तो वहीं बजट से इंस्पिरेशन आई है, इसीलिए ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें इंडिया के 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ IITs पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी पार्टिसिपेट करेगा, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, अभी मैंने आपको अभी अभी बताया ना, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च DBT के अंदर आता है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, वो एक्चुअली IISc बैंगलोर के अंदर आता है, और IISc बैंगलोर के अंदर जो आता है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, वही इस पूरे प्रोजेक्ट का नोडल पॉइंट बनेगा। तो याद रख लीजिए कि इंडिया का जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसका जो नोडल पॉइंट है वो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है, और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है वो IISc बैंगलोर के अंदर आता है। इसके अलावा ये जान लीजिए कि सेंटर फॉर IISc बैंगलोर वगैरह जो है DBT के अंदर आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के अंदर आते हैं, सॉरी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट विल लुक एट द सैम्पल्स। और पहले क्या करेंगे, प्रायर लेवल पे हम सैम्पलिंग करेंगे ओनली 10,000 पीपल का, पूरे कंट्री में अलग अलग रीजन से लेंगे, तो वो एक तरह का ना फ्रेमवर्क बन जाएगा, एक सांचा बन जाएगा, ठीक है। तो 10,000 लोगों का हम जेनेटिक मैपिंग कर लेंगे,
उसके बाद हम जैसे बिहार के जैसे 1,000 लोगों का कर लिया, तो कहीं ना कहीं बिहार के 1,000 लोग तमिलनाडु के 1,000 लोग से डिफरेंट होंगे। तो अब इस बिहार के 1,000 लोग पे बेस्ड करके पूरे बिहार पॉपुलेशन का फिर हम जाके आगे सैम्पलिंग करेंगे, उनका जीनोम बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो रेफरेंस की तरह काम करेगा, इनिशियली जो 10,000 का सैंपल बनेगा ना पॉपुलेशन का, वो ग्रिड की तरह काम करेगा, रेफरेंस की तरह काम करेगा। इसके पहले एक प्रिकर्सर ऑलरेडी आ चुका है, जो हमारा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये आपको पता ही कहाँ है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो CSIR ने लास्ट ईयर में ऑलरेडी एक 6 मंथ का एक्सरसाइज कंक्लूड किया है, उसमें उन्होंने 1,008 इंडियन का होल जीनोम सीक्वेंस ऑलरेडी कर दिया है। तो 10,000 सैम्पलिंग करनी थी, ग्रिड बनाना था, उसके ऊपर पूरी पॉपुलेशन की करनी है। इसके पहले लास्ट ईयर CSIR ने 1,008 इंडियन लोगों का ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो है पूरा कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को क्या बोला गया था, इंडीजेन प्रोग्राम बोला गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रोजेक्ट को इंडीजेन प्रोग्राम बोला गया था। सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए देखिए वर्ल्ड लेवल पे तो एक जेनेटिक स्टडी के लिए, जीनोम की मैपिंग के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन उसमें जो मेनली पॉपुलेशन थी ना कॉकेशियन ओरिजिन की थी, अर्बन मिडिल क्लास के सैंपल लिए गए थे, 95% गरीब लोगों के लिए ही नहीं गए थे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे मतलब डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता वर्ल्ड को, तो इंडिया को कैसे करेगा। दूसरी बात, अगर जब आपका एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट होगा तो इंडियन पॉपुलेशन के लिए वो पार्टिकुलरली उसके लिए स्पेशल होगा वहाँ पे, तो इंडिया टू डेवलप इंडिजिनस कैपेसिटी डेवलप होगी, मेंटेन करेंगे हमको अंदर ही अंदर कंट्री में, एनालाइज करेंगे उसको और उसको यूटिलाइज करके कम्युनिकेट करके लार्ज स्केल जो जीनोम डेटा जनरेट करेंगे स्केलेबल मैनर पे, वो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के लिए स्पेशल होगी, स्पेसिफिक होगी। इससे होगा क्या कि जो आपको डिजीज होते हैं उसका नेचर पता चलेगा कि आपके जीनोम के हिसाब से वो कैसे आपसे इंटरेक्ट करते हैं, उस डिजीज़ का ट्रेट क्या है, आपकी बॉडी में आने के बाद आपकी बॉडी का ट्रेट क्या है, किसकी आपकी कितनी इम्यूनिटी है, आप में क्या लैकिंग है, ये सब चीज़ें पता चलेगी और इससे प्रेसीजन मेडिसिन डेवलप होगा। प्रेसीजन मेडिसिन क्या होता है, एक जनरल मेडिसिन नहीं, आपको कोई पार्टिकुलर बीमारी है उस पर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाए। जैसे कि अभी कोविड के जो पेशेंट है जनरली देखा गया, जिनकी ऑलरेडी थोड़ी तबीयत खराब है, वीक इम्यूनिटी है या बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो आप सबको एक दवाई मत दो, प्रेसिजन मेडिसिन करो, जिसको जितनी ज़रूरत है जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से दवाई दो। इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की या जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की कहो आप ज़रूरत है। फिर फर्दर इम्प्रूव साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन, जब आप जेनेटिक स्टडी करोगे तो इवोल्यूशन हमारा कैसे कैसे हुआ था उसकी स्टडी भी जो है फर्दर इम्प्रूव होगी, और दो पर्सपेक्टिव से, एक तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जिसमें कि इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज इंटरेक्शन, मतलब अलग अलग स्पेसीज के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, और इंट्रा मतलब ह्यूमन जैसे होमोसेपियंस के अंदर ही अंदर क्या इंटरेक्शन हुआ, जैसे द्रविडियन और आर्यन के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ। स्पेसीज का इकोलॉजी भी पता चलेगा, इंटरेक्शन भी पता चलेगा, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एनवायरमेंट के साथ, और जो हमारा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि माइग्रेशन पैटर्न रिचुअल से हमारा कितना अफेक्ट होता है जीन वगैरह टाइम्स के साथ। जीन सीधे सीधे रिचुअल से चेंज नहीं होता, सोशियोलॉजी से चेंज नहीं होता, लेकिन अब जब जेनेटिक क्रॉस ब्रीडिंग होगी पॉपुलेशन के बीच में तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से अफेक्टेड होगा ना, तो वो सब ये स्टडी हो जाएगी। एक जो मेन फंक्शन है वो प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रेडिक्टिव मतलब क्या होता है, अगर आप में ये पार्टिकुलर जीन है, जैसे कुछ पार्टिकुलर एक जीन होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो उन वीमेन में होता है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैपिंग से ये भी पता चल जाएगा कि किसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है किसको नहीं हो सकती, तो वो होता है प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। और एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कि होने से पहले रोक लेना। द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन फास्टर एंड एफिशियंट डायग्नोसिस ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का जो है डिजीज का है, फास्टर और एफिशियंट डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 जीएम क्रॉप का। रिसेंटली न्यूज़ में ये जीएम क्रॉप इसलिए हैं क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है GEAC, वो अप्रूवल देता है कि किस जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप की कल्टिवेशन इंडिया में हो, किस में नहीं हो, फील्ड ट्रायल हो कि नहीं हो, ये सब जो अप्रूवल है GEAC देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बैठता है। उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोला है कि देखिए आपके स्टेट में लोग जो है इलीगली हर्बिसाइड टॉलरेंट वेरायटी ऑफ BT कॉटन यूज़ कर रहे हैं, जो कि इलीगल वाला वेरायटी यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है HT BT कॉटन। देखिए गवर्नमेंट ने BT कॉटन की मंजूरी दी है, HT BT कॉटन की नहीं दी है, हर्बिसाइड टॉलरेंट, सॉरी आई मीन टू से दैट इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वेरायटी ऑफ BT कॉटन की मंजूरी, तो ऐसे देखिए ऐसे तो BT कॉटन की मंजूरी है लेकिन उसमें कोई पार्टिकुलर टाइप होगा जो कि इलीगल होगा, ये वाला नहीं रोपना है, उसकी लोग खेती कर रहे हैं, उसको जो है GEAC ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप बंद करवाइए, ये मान्य नहीं होगा। जीएम क्रॉप की बात करें तो जीएम क्रॉप होता क्या है, जीएम क्रॉप में होता क्या है, जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पेसीज टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस। एक मान लीजिए कि कॉटन का पौधा है, वो उसमें हर्बिसाइड टॉलरेंट नहीं था, तो जब भी हर्बिसाइड डालते थे तो सारे खेर खतपरवार के साथ वीड के साथ कॉटन का पौधा भी मर जाता था, तो हमने क्या किया कि एक पार्टिकुलर कोई जीन ले लिया जो कि इस पौधे को हर्बिसाइड टॉलरेंट बना देगा और वो पौधा जिंदा रह जाएगा, बाकी सारे मारे जाएंगे।
तो जो बाहर से जीन हम लाते हैं और इस प्लांट में डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो जो नया क्रॉप बनता है उसको जीएम क्रॉप बोलते हैं। तो जीएम क्रॉप हैज ए जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इन टू इट फ्रॉम अनदर स्पेसीज। एक तो नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल होता है, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग करा दी किसी पार्टिकुलर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट के साथ, तो वहाँ जेनेटिक ट्रांसफर हो गया, वो तो नेचुरल। लेकिन ये आर्टिफिशियल है क्योंकि हम लेबोरेटरी से जीन ट्रांसफर करवा रहे हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके, और फिर सीड पैदा कर रहे हैं और उसको हम खेती कर रहे हैं। तो जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इन टू इट फ्रॉम अनदर स्पेसीज टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। कैसे कैसे प्रॉपर्टी हो सकते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्राउट रेजिस्टेंस, इसके अलावा और भी कुछ कुछ, जैसे कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। करेंटली इंडिया में एक ही क्रॉप है जो कि परमिटेड है कल्टिवेशन के लिए, जो कि जीएम क्रॉप है, वो है बीटी कॉटन। पंजाब महाराष्ट्र इसका काफ़ी बेनिफिट रीप कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन इलीगली जीएम क्रॉप कुछ और भी उगा रही है, जैसे बीटी ब्रिंजल, सोयाबीन, ये सब मना है लेकिन फिर भी ये उगा रहे इलीगली, इनको कहीं ना कहीं से बाहर से सीड मिल गए हैं। तो ये रिपोर्ट किया गया है कि कई स्टेट में ऐसा लास्ट मंथ में देखा गया है। अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेंगे जीएम क्रॉप की, तो हमारी कंट्री में एक वेल स्टैब्लिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अप्रूव करने के लिए जीएम क्रॉप की कल्टीवेशन और फील्ड ट्रायल के लिए। ये इसके लिए एक रूल्स हैं, रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989। तो इतना लंबा चौड़ा जो रूल्स है उसमें हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, तो ये जो पार्टिकुलर टर्म है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, उसमें ही जीएम क्रॉप कवर हो जाते हैं। ये जो रूल है वो 1989 में आया था, और ये किस एक्ट के थ्रू आया था आप रट जाइए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो बना था, उस एक्ट के अंदर ये रूल फ्रेम हुआ था, और उसी में जीएम क्रॉप के रेगुलेशन की बात की गई है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है, जो मैंने आपको गलती से बोल दिया कि उसका कोई इलीगल वेराइटी है, नो, एचटी बीटी कॉटन ही बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल ये है कि करेंटली ओनली जीएम कॉटन परमिटेड टू बी ग्रोन इन इंडिया आर हाइब्रिड्स और वेराइटीज दैट कंटेन Cry1AC एंड Cry2AB जीन्स। इंडिया में जो अप्रूवल दिया गया है जीएम कॉटन को उगाने का, HTBT कॉटन जो इंडिया में उगाई जाएगी, वो पार्टिकुलरली वो वेराइटी उगाई जाएगी, वो हाइब्रिड उगाए जाएंगे जिनमें दो जीन Cry1AC और Cry2AB जीन्स हैं। और इन जीन को कहाँ से लिया गया? एक सॉइल बैक्टीरियम होता है बैसिलस थुरुजियेंसिस, उससे आइसोलेट किया गया है इन जीन को, Cry1AC को, Cry2AB को। यही जो प्लांट कॉटन में हर्बिसाइड टॉलरेंट की प्रॉपर्टी देते हैं ये ऐसे, एंड कोडिंग फॉर प्रोटीन्स टॉक्सिक टू बॉलवर्म, इंसेक्ट, पेस्ट्स। दीज जो है, दीज Cry1AC और Cry2AB जो जीन है जो बैसिलस थुरुजियेंसिस से लिए गए हैं, वो कोड करते हैं ऐसे प्रोटीन्स की जो कि बॉल वर्म, इंसेक्ट, पेस्ट से टॉक्सिक होता है उसके प्रोटीन, और प्लांट को सुरक्षा प्रदान करता है। HTBT कॉटन और BG कॉटन 3, दूसरा जो ये वेराइटी है, HTBT कॉटन या BG कॉटन 3 इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ अनादर जीन CP4 EPS PS फ्रॉम अनादर सॉइल बैक्टेरियम एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस। दूसरा ये बताया कि पहला तो HTBT कॉटन की बात कर रहे हैं जब, तो एक तो ये वाली वेराइटी है जो मंजूर है, फिर ये दिखा रहे हैं कि HTBT कॉटन या BG कॉटन 3 जो होता है इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ अनादर जीन CP4 EPS PS फ्रॉम अनादर सॉइल बैक्टीरियम एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस। ये था सॉइल बैक्टेरियम बैसिलस थुरुजियेंसिस, और ये है सॉइल बैक्टेरियम एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमेफेसियंस। HTBT कॉटन कैन टॉलरेट ग्लाइफोसेट। आप देख रहे हो यहाँ पे दो जगह से दो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं HTBT कॉटन बनाने में। एक बैक्टीरियम यूज़ करते हैं बैसिलस थुरुजियेंसिस, वहाँ से जीन आता है Cry1AC और Cry2AB। ये प्लांट को देता है बॉल वर्म, इंसेक्ट जो होता है ना, पेस्ट जो होता है उसके खिलाफ फाइट करने वाले प्रोटीन देता है इस जीन से। और दूसरा सॉइल बैक्टीरियम है एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस, वहाँ से आता है पार्टिकुलर जीन CP4 EPS PS, वो जो है इस HTBT कॉटन को एक पार्टिकुलर हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के प्रति टॉलरेंस देता है। तो आप प्लांट के ऊपर छिड़क दो, बाकी सारे हर्ब जो हैं वीड मर जाएंगे, लेकिन HTBT कॉटन जिंदा रहेगा क्योंकि आपके पास जो जीन है वो एग्रो बैक्टीरियम से आया हुआ CP4 EPS PS जीन है, जो कि ग्लाइफोसेट से प्लांट को बचाएगा। तो बाकी सारे वीड मर जाएंगे और पिंक बल्बर्म भी मर जाएगा, लेकिन क्रॉप नहीं मरेगा। इन इंडिया ग्लाइफोसेट इज रजिस्टर्ड फॉर यूज ऑन टी एंड नॉन क्रॉप एरिया। अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी आपको बता दें, तो अप्रेजल कमेटी, सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी, GEAC एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये एपेक्स बॉडी है अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल। तो कोई भी जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करना या क्रॉपिंग वगैरह करना उनके प्लांट की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की,
ये सारे को एक एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से देखना कि ये सही है कि गलत है, ये GEAC का काम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर होती है। GEAC इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोजल्स, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इन टू द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स। फील्ड ट्रायल जो करने हैं उसकी भी अप्रूवल GEAC से दी जाती है, और फाइनली जो फार्मर्स के पास जाएगा कि नहीं जाएगा वो सीड GM क्रॉप वाला, इसका भी जो अप्रूवल है वो GEAC ही देता है। तो जो GM क्रॉप हमने BT कॉटन के बारे में सुना, तो गोल्डन राइस के बारे में सुन लेते हैं। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे? फिलीपींस में। ओके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो फिलीपींस में है, अलॉन्ग विथ इट्स पेरेंट्स पार्टनर्स हैज सक्सेसफुली कल्टिवेटेड गोल्डन राइस इन ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट ऑन IRRI कैंपस। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे फिलीपींस से, उसके कैंपस में गोल्डन राइस का एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया, कल्टिवेशन किया गया है, ये न्यूज़ आई है। गोल्डन राइस में होता है क्या है? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है अलग से, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी आप इससे भरपाई कर सकते हो। विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी जनरली अकर्स ड्यू टू एन इम्बैलेंस डाइट, अगर आप खाओगे तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है आपको, और अगर फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहा हो तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, और लगातार अगर आपके बॉडी में परसिस्टेंट विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको ब्लाइंडनेस, क्योंकि बीटा कैरोटीन की बात है, ब्लाइंडनेस, इलनेस और इवन डेथ हो सकती है। ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन है, अगर आपको विटामिन ए की कमी हो तो रतौंधी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेज द इम्यून सिस्टम, अगर विटामिन ए कम है तो आपका इम्यून सिस्टम भी खराब होगा, कोरोना हो सकता है, विच मीन्स चिल्ड्रेन डाई फ्रॉम द कॉमन डिजीजेज लाइक डायरिया, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड मीजल्स। तो अगर किसी बच्चे में विटामिन ए की कमी है तो छोटी छोटी बीमारी में उसकी जान जा सकती है। तो गोल्डन राइस का डिस्कशन हुआ तो पढ़ लेते हैं गोल्डन राइस क्या है। गोल्डन राइस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वेराइटीज दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू काउंटर विटामिन ए डेफिशियंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो गोल्डन राइस कोई एक पर्टिकुलर राइस की वेरायटी का नाम नहीं है, एक कलेक्टिव टर्म है ऐसी सारी राइस वेराइटीज़ का जिनको कि डेवलपिंग कंट्री में विटामिन ए की डिफिशियंसी की कमी की भरपाई करने के लिए बनाया गया। यूरोपियन साइंटिस्ट ने जो पहले सबसे पहले स्ट्रेन डेवलप किया था गोल्डन राइस का, वो किया था 1990s के एंड के अराउंड, मतलब 1999 के अराउंड यूरोपियन साइंटिस्ट ने फर्स्ट स्ट्रेन डेवलप किया था गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस डिफर्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड राइस इन दैट इट कंटेन्स एक्स्ट्रा जीन्स, वन फ्रॉम मेज एंड वन फ्रॉम बैक्टीरियल ऑरिजिन, टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या, गोल्डन राइस जो है नॉर्मल राइस से इस तरह के डिफरेंस है कि नॉर्मल राइस तो नॉर्मल राइस होता है, उसमें कोई बाहर से जीन ऐड नहीं करते हैं, लेकिन गोल्डन राइस में हम दो जीन ऐड करते हैं, एक जीन आता है मेज से और एक जीन आता है बैक्टीरिया से, और ये दोनों जीन आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रो विटामिन ए बनाते हैं। प्रो विटामिन ए का मतलब क्या है? बीटा कैरोटीन। और जब आपकी बॉडी में जब आप खा लोगे तो जो बीटा कैरोटीन या प्रो विटामिन ए जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा राइस ग्रेन के थ्रू। प्रो विटामिन ए कलर्स द ग्रेन्स येल्लो ऑरेंज, हेंस द नेम गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्यों बोला गया? प्रो विटामिन ए का जो कलर है वो ग्रेन को कलर दे देता है येल्लो ऑरेंज कलर का, गोल्डन कलर दे देता है। वंस अब्जॉर्ब इन द बॉडी प्रो विटामिन ए या जो बीटा कैरोटीन था विटामिन ए में बन जाता है, बता दिया आपको। प्रो विटामिन ए इज फाउंड इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे तो आप फ्रूट वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट लो तो आपको प्रो विटामिन ए मिलेगा, कैरेट में तो बहुत होता है, इसीलिए बोलते हैं ना गाजर खाओ तो आंखों के लिए अच्छा होता है। रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट 1 कप ऑफ गोल्डन राइस कैन प्रोवाइड अप टू 50% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन अडल्ट विटामिन ए। तो मतलब आप कहीं फ्रूट जो है वेजिटेबल ना भी खाओ, लेकिन अगर गोल्डन राइस का 1 कप भी आप चावल बना के खा लेते हो, भात खा लेते हो, तो आपकी जो है टोटल जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की उसका 50% तो यहीं से कंपनसेट हो जाएगा। गोल्डन राइस कैन बी ग्रोन जस्ट द सेम वे एज वी ग्रो नॉर्मल राइस, कोई खास टेक्निक नहीं है इसमें, कोई कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन अलग से नहीं है, और इट रिड्यूसेज वाटर यूज अप बाई 30% विदाउट एनी यील्ड लॉस। इसमें पानी भी कम लगता है, नॉर्मल राइस के हिसाब से इसमें 70% ही पानी लगता है, तो 30% पानी की भी बचत होगी और यील्ड में जो प्रोडक्शन में है कोई लॉस नहीं होता पानी की कमी से। इट शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, इट मे लूज इट्स न्यूट्रेंट्स आफ्टर दैट। ऐसा नहीं कि रॉट हो जाएगा, लेकिन जो विटामिन ए है मतलब प्रो विटामिन या बीटा कैरोटीन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा अगर आप स्टोर करोगे तो वो उसमें से लूज़ हो जाएगा, तो 3 महीने के अंदर मतलब हार्वेस्ट के बाद यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, तो उसके बारे में देख लीजिए। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल का, 1960 में फाइंड किया गया था। फॉर्ड फाउंडेशन और जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, जो उन्होंने इंडिया में भी ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की बात की थी, तो फॉर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी और फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था। ये जो इंस्टीट्यूट है वो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, फिलीपींस के लॉस बेनॉस नाम के शहर में, और इसके 17 अलग अलग छोटे छोटे ऑफिस हैं राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ में, और वो जनरली एशिया और अफ्रीका में वो राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया में भी इसका ऑफिस होगा। इट्स रीजनल सेंटर वाज ओपन रिसेंटली इन वाराणसी, एक रीजनल सेंटर पूरे साउथ एशिया का जो बना वो अभी रिसेंटली वाराणसी में ओपन हुआ है।
इसका वर्क क्या है, इट इज़ डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, राइस के थ्रू पॉवर्टी वगैरह कम करना है, क्योंकि जनरली अफ्रीका और एशिया में ही तो पॉवर्टी और यहाँ ही तो राइस पैदा होता है, तो पॉवर्टी कम होगी, हंगर कम होगी, राइस का साइंस डेवलप होगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट, वेलफेयर करना राइस के फार्मर्स का और कंज्यूमर्स का भी, और राइस ग्रोइंग एनवायरनमेंट को आगे के फ्यूचर जनरेशन के प्रेशर से बचाना है। जैसे केरला में बाढ़ आ गई तो सारा जो राइस का फील्ड था वो तबाह हो गया, तो नहीं पैडी फील्ड को तबाह नहीं होने, उसको भी बचाना है क्लाइमेट चेंज वगैरह से। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक मेंबर है CGIAR कंसोर्टियम का, अ ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप कमिटेड टू ए फूड सिक्योर फ्यूचर। CGIAR का मतलब होता है साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट चैलेंज, CGIAR का मतलब साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट चैलेंज, इसका ऑफिस फ्रांस में है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जो यूनाइट करता है सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फूड सिक्योरिटी में रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी किसी तरह से फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है गरीबी वाले कंट्रीज़ में, तो वो जो है CGIAR का मेंबर है IRRI, और CGIAR एक ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है कमिटेड टू ए फूड सिक्योर फ्यूचर, जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट चैलेंज, साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट चैलेंज है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, CGIAR का वो फुल फॉर्म नहीं है, सॉरी वो उसका एजेंडा है क्या उसको करना है, साइंस फॉर मतलब एक टैगलाइन है, इसका फुल फॉर्म होता है कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये क्या है, CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, और उसका पार्ट है IRRI, फूड सिक्योर में सिक्योरिटी में काम करता है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप एक ही देख लो, मुक्तोश्री IET 21845, इट इज़ ए कमर्शियल राइस वेराइटी दैट इज रेजिस्टेंट टू आर्सेनिक। आर्सेनिक पॉल्यूशन होने लगा हमारे कंट्री में तो बड़ा इशू हो गया, तो अगर हम एक राइस वेराइटी बना दें आर्सेनिक पॉल्यूशन के रेजिस्टेंट हो, तो हमारी जो राइस से के फूड सिक्योरिटी है राइस के थ्रू, राइस का जो कल्टिवेशन है वो प्रभावित नहीं होगा। तो एक राइस वेराइटी आई है अभी मुक्तोश्री, मुक्तोश्री और टेक्निकल नाम क्या है IET 21845, ये कमर्शियली कमर्शियलाइज राइस वेराइटी है, मतलब कोई भी इसको उगा सकता है, आर्सेनिक के पॉल्यूशन से ये रेजिस्टेंट होती है। इट वॉज डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय, किसने डेवलप किया ये याद रखना बहुत जरूरी है, वेस्ट बंगाल से एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NBRI लखनऊ में, और वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट स्टेट का, ये दोनों ने मिलकर मुक्तोश्री IET 21845 बनाया है, जो कि आर्सेनिक पॉल्यूशन से रेजिस्टेंस है, क्योंकि बंगाल के सॉइल में भी बहुत ज़्यादा आर्सेनिक का पॉल्यूशन है, तो ये ज़रूरत थी। तो इसके साथ ही हमारा बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तब तक आप हमारे चैनल टिप्स फॉर UPSC को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बहुत शेयर कर लीजिए अपने क्लोज फ्रेंड्स में, सबको मत बताइएगा, अदरवाइज सबको फायदा हो जाएगा, ये आपका ही नुकसान है। और फिर हम नेक्स्ट में स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। बाकी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, आर्ट एंड कल्चर का भी अब डालूंगा, तो वो सारे देखते रहिए, बीच में तमिलनाडु की हिस्ट्री भी करते रहिए। और अपना ध्यान रखिए, बाहर मत जाइए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है। शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।